रामनगर प्रखंड के पथरी गांव में जन वितरण लाभुकों ने संबंधित पदाधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि हम लोग मसान नदी पार करके दूसरे गांव में राशन उठाने जाते हैं और मसान नदी के पानी रहता है तो हम लोग राशन नहीं उठा पाते। पथरी गांव तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है और पहाड़ी नदी होने के कारण हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। पथरी गांव दलित और महादलित बस्ती है। अगर नदी में पानी आ जाता है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर राशन डीलर के पास जाना पड़ता है, जो कि गरीबों के लिए संभव नहीं है। दर्जन भर ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों का राशन गांव में उपलब्ध कराने की कृपया की जाए और डीलर हम लोगों के गांव में जाकर राशन वितरण करे ताकि हर गरीब परिवार राशन आसानी से प्राप्त कर सके। बीच में पथरी गांव है, बहुत पानी से गजन हो गया, 28 आदमी मूला से बच गया, स्टेमर गया है तो 3 आदमी निकला है, बहुत लोग पानी में रात भर खड़ा है। सुननी कि गांव के लोग डूबल बात, हम भाग के गई तो गहुअल साफ हमके डोस दिया, हमके सुविधा कर दी कि पुल बन जाएगा जहाँ हमनी के राशन उनके गांव में मिले के चाहे हमनी के पथरी गाँव काला कुमिया ना आ जाए। हमनी के मेहरबानी करें कि गांव में हमनी के राशन बटवाई और गांव में आई जान कि इतना क्षति हमनी के भइल बा कि बकरी 3 गो दह गइल बड़ी सब, माल जाल 2 गो बाछी दह गइल बड़ी सब, केंगा रह जाई मशीन आई रही काले खतरा मशीन उलट दे नदी तो 3 आदमी केहूँ इकलो न तो बकिया लोग रात भर पानी में रह 2 बजे रात खन जाके चिलात रह लो तो गांव के लोग हिल ना पावल पानी के पूरा गांव के गाय दह गली सर। कहाँ से आए? पथरी से। कहाँ राशन के लिए? कालाकुमिया जी। किनके यहाँ राशन? राम भाई। राशन कैसा मिला? बाढ़ जैसे दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं हम लोग का राशन दे रहे हैं तो उसमें काट छांट नहीं ना कर रहे हैं? जी नहीं, नहीं, नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से राशन मिल जाएगा। कहाँ से राशन उठावल? दलवा से। अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जी। राशन बराबर मिलेगा? राशन काटो छांट होला? ना काट छांट ना। 2-4 किलो 1 किलो ना कुछ पूरा बराबर मिल जाएगा। बेतिया से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।